कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, कैंडिडेट नहीं, वरिष्ठ नेता ने अपनी पार्टी पर दागे सवाल, दिया इस्तीफा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, बाबर सिद्दीकी, संजय निरुपम जैसे दशकों से पार्टी से जुड़े नेताओं ने हाथ को अलविदा कह दिया। अब हालात ऐसे हैं कि पार्टी आलाकमान के फैसले पर अपने ही नेता उंगली उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक का पद छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि एमवीए महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। मैं पार्टी के इस अनुचित फैसले से दुखी हूँ, टिकट नहीं मिलने से खफा। मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ के नाम की घोषणा के एक दिन बाद शुक्रवार को नसीम खान ने कांग्रेस प्रमुख को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। खान का कहना है कि एमवीए द्वारा महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नहीं उतरना अन्यायपूर्ण है, इसलिए विरोध में पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। खान ने कहा कि 2 महीने पहले ये निर्णय लिया गया था कि मुझे पार्टी की उम्मीदवारी दी जाएगी, इससे मुंबई में अल्पसंख्यक समुदाय उत्साहित था। हालांकि पार्टी ने इस सीट से एक अलग नाम की घोषणा की है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर व्याकुलता है। नसीम खान ने कहा कि जब भी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की चुनावी जिम्मेदारी दी, मैंने पार्टी के पक्ष में पूरी ताकत लगाकर उसे बखूबी निभाया। मैंने ईमानदारी से पार्टी का काम किया, लेकिन अब मैं चुप हो जाता हूँ। अगर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई मुझसे पूछता है कि एक भी अल्पसंख्यक कांग्रेस ने उम्मीदवारी क्यों नहीं दी, पूर्व मंत्री नसीम खान उन्होंने कहा कि अब वे मुझसे पूछ रहे हैं कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, उम्मीदवार क्यों नहीं। मैं भी पार्टी के इस अनुचित निर्णय से व्यथित हूँ, इसलिए मैंने तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। मुस्लिम मतदाता परिषद ने भी उठाए सवाल। इससे पहले भारतीय मुस्लिम मतदाता परिषद MVC ने लोकसभा चुनाव में एमवीए द्वारा मुसलमानों को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर हैरानी जताई। एमवीसी के मुख्य संयोजक खान अब्दुल बारी खान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP SP प्रमुख शरद पवार और शिवसेना UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से ये बताने को कहा है कि उन्होंने कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया। खान ने कहा कि हमारी आबादी 30 करोड़ है, लेकिन फिर भी एमवीए को मुस्लिम समुदाय से कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।